एवरीवन, दिस इज़ मी रिमझिम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्टिविटी रूम। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं आइसक्रीम मैन के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये मैंने इसलिए वीडियो अपलोड किया है बिकॉज ऑफ आप लोगों ने इसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी कि हमें इसका न्यू वर्जन चाहिए, यानी हमें इसका न्यू क्वेश्चन आंसर चाहिए। कुछ क्वेश्चंस थे जो शायद मेरी उस वाले वीडियोज़ में नहीं थे, तो मैं इस वाले वीडियोज़ में लाने की कोशिश की हूँ। तो इसलिए मैं इसमें पूरा आपको बताने वाली हूँ क्वेश्चंस के आंसर। तो वीडियो को देखिएगा एंड तक, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक्टिविटी रूम और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस कभी मिस नहीं होंगी और मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग इज फन से इन विच सीज़न इज़ आइसक्रीम पॉपुलर। तो इसका मतलब ये है कि आइसक्रीम कौन से सीज़न में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। तो इसका आंसर है, आइसक्रीम इज़ पॉपुलर इन समर सीज़न। आइसक्रीम जो है वो समर सीज़न में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। सेकंड क्वेश्चन है, वो फील जॉयफुल ऑन सीइंग दी आइसक्रीम मैन। इसका मतलब है, कौन खुश हो रहा था आइसक्रीम मैन को देखकर। तो इसका आंसर है, चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग दी आइसक्रीम मैन। बच्चे खुश हो रहे थे आइसक्रीम मैन को देख के। तीसरा क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ हिजन क्राफ्ट। इसने क्वेश्चन में बोला गया है, ऐसे कई ऐसे नाम बताओ जो कि आइसक्रीम मैन ने खुद से बनाए थे। वो क्या थे? वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग्स। इसमें पूछा है कि आइसक्रीम मैन कैसी दो तरह की चीज़ें बेच रहा था, सेलिंग मतलब बेच रहा था। तो इसका आंसर है, द आइसक्रीम मैन इज़ अ सेलिंग आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। यानी आइसक्रीम मैन था वो आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक बेच रहा था। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू दी इन दी पोएम। यानी आइसक्रीम मैन को किससे कंपेयर किया गया है। तो इसमें आंसर है, द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू ए फ्लावर बेड। यानी एक फ्लावर बेड से कंपेयर किया गया है। तो ये थे हमारे रीडिंग इस फन से क्वेश्चंस। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी लेट्स राइट से। तो इसमें पहला हमारा है, राइट अबाउट सम ऑफ एक्साइटिंग इन्जॉयबल थिंग्स डैट वन कैन डू इन अ विंटर सीज़न। इसमें पूछा है कि हमें कुछ ऐसे पॉपुलर एंड एक्साइटिंग चीज़ बतानी है जिसमें हमें मज़ा आता है और जो हम करते हैं विंटर सीज़न में, यानी सर्दियों के मौसम में हम करते हैं। तो इसका आंसर है, प्लेइंग इन द वार्मथ ऑफ द सन। यानी हम लोग जब सूरज निकलता है तो हम खेलते हैं। ईटिंग ग्राउंड नट्स, पॉपकॉर्न एक्सेट्रा। यानी हम लोग जो कहते हैं ना, वो हम ड्राई फ्रूट्स वो खाते हैं, पॉपकॉर्न और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम लोग खाते हैं। थर्ड चीज़ है जो हमारी, वो है वनीला, मैंगो, ड्वाइट एंड चॉकोबार। तो ये सब चीज़ें हम खाते हैं। और एक लास्ट भी बच रहा है, प्राइसेस ऑफ ऑल फ्लेवर्स ऑफ ऑल ब्रांड्स रेंज फ्रॉम 10 रुपीज़ टू 20 रुपीज़। चॉकोबार ऑफ मदर डेरी इज़ द मोस्ट पॉपुलर थिंग एमॉन्ग द चाइल्ड एज ए वेल एज ए ग्रो अप्स। इसका मतलब ये है कि जैसे कि जो भी हमें ब्रांड्स मिलती हैं 10 या 20 रुपए की, जैसे कि चॉकोबार हो गया, हम वो मदर डेरी, जैसे कि मदर डेरी एक बहुत ही पॉपुलर आइसक्रीम है, आपने आपको पता होगा, इसमें दूध भी आते हैं मदर डेरी में, एंड इसकी आइसक्रीम भी आती है जो कि बहुत ही पॉपुलर होती है विंटर सीजन में, और हम इसे हम बहुत ही पसंद करते हैं। ये वर्ल्ड बिल्डिंग है, यहाँ से आप चाहे तो ये उतार सकते हैं वरना नहीं भी उतार सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको दिखा रही हूँ, सिटी कार्ड का होगा, हीट स्ट्रीट, ग्लोब्रोज, डूगो, हार्ड यार्ड, बॉल डॉल, काउसो, लेवल टेबल, स्काइप माई, प्लेयर बॉय, रेस फेस, राइट माइट। तो आप चाहे तो यहाँ से उतार सकते हैं अगर आपके टीचर ने आपको दिया है करने के लिए। तो जो हमारा नेक्स्ट है सेकंड, व्हाट डू दी फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब इन दी पोएम। यानी इसमें कहा गया है कि ऐसे कुछ वर्ड्स बताओ जो कि इस पोएम में कहा गया है। जॉयफुल का मतलब बताना है, तो जॉयफुल का होगा साइट। जॉयफुल का होगा साइट, आप देख सकते हैं, आप चाहे तो बुक में अपनी देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा है जॉयफुल साइट। हमारा है वो है लिटिल, तो यहाँ पर क्या है, लिटिल कार्ट। और नेक्स्ट है हमारा राउंड, राउंड का क्या है, राउंड अम्ब्रेला, आप चाहे तो यहाँ से उतार भी सकते हैं एंड कहीं लिख भी सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा वो है, व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज इन द पोएम ऑफ द फॉर द फॉलोइंग। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ वर्ड्स दिए गए जिसको हमें डिस्क्राइब करना है, इस जो कि इस पोएम में हमें दिए गए हैं। तो क्या है, फर्स्ट है मॉन्स है, तो मॉन्स का बताना, तो मॉन्स का आंसर ये है, आप देख सकते हैं, कूली ब्राउन वाइट मॉन्स। यहाँ तक हमारा आंसर है, इतना बड़ा आंसर आपको उतार लेना है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट है वो हमारा है फ्लेवर, तो फ्लेवर का है यहाँ पे वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर।
क्योंकि जो आइसक्रीम मैन था वो वैनिला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी को फ्लेवर सब बेच रहा था। एंड हमारा लास्ट है क्लस्टर, तो क्लस्टर का आपको यहाँ पर पता चल गया थिक क्लस्टर। आप चाहे तो इसको अपनी बुक में से भी देख के उतार सकते हैं या फिर आप चाहे तो यहाँ से उतार सकते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट है वो है फन टाइम। ये आपके मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके टीचर ने आपको ये नहीं करने के लिए दिया होगा, अगर आपको दिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका आंसर है फन टाइम का। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वन, ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम, डिस्क्राइब इट इज यूनिक इंटरेस्टिंग डिस्क्राइब वर्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स द कलर एंड द कलर द फ्लेवर्स एंड द साइज हाउ इट लुक टेस्ट फील एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि हमें ड्रॉ भी करना और बताना भी है कि हमारी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है एंड उसके बारे में कुछ हमें लिखना भी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप अपनी आइसक्रीम बना सकते हैं या फिर पेस्ट कर सकते हैं अपने बुक या कॉपी में जहाँ भी आपके मैम ने कहा है करने के लिए। एंड ये आप अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं, चाहे तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप इसे भी उतार सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो आप, मैं अब पढ़ के बता देती हूँ आप लोगों को। हियर इज़ द आइसक्रीम ऑफ माय ड्रीम, यानी ये जो मैं यहाँ पे आपको आइसक्रीम दिख रही है ये मेरी ड्रीम वाली आइसक्रीम है। और इट इज़ अ डीप ब्राउन इन अ कलर, एंड जो ये आप देख सकते हैं कि ये जो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर ब्राउन है। इट हैज़ अ चॉकलेट फ्लेवर, और ये चॉकलेट फ्लेवर की है, आप जैसे कि दिखे रहा होगा चॉकलेट चॉकलेट है तो चॉकलेट फ्लेवर की है। इट इज़ अ बिग रॉकेट साइज बार, ये थोड़ी बिग है और थोड़ी रॉकेट टाइप की है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ कुछ रॉकेट टाइप की हुई ना, ये रॉकेट साइज की है। इट इज़ अ वेरी टेस्टी, वेन एवर आई परचेज इट, ये बहुत ही टेस्टी है इसलिए मैंने इसको परचेज किया, इसलिए मैंने इसको खरीदा। इट इज़ अ आई ईट विथ इट विथ ग्रेट प्लेजर, मैं इसको बहुत ही मज़े से खाता हूँ या खाती हूँ। द क्रीमी लेयर ऑफ द इट इज़ अ डिलीस इट इज़ अ सो डिलीसियस, यानी इसको जो क्रीम है ये बहुत ही डिलीसियस है, बहुत ही टेस्टी है, स्वादिष्ट है। आई लव टू ईट इट, मुझे इसको खाना बहुत पसंद है। आई इन्जॉय इट वेरी मच, और मुझे इसके साथ बहुत ही। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप ये आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मैंने ये बहुत ही रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको ऐसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेंगी। एंड आप चाहे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए या फिर किस चैप्टर पर चाहिए, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी बनाने का। तो थैंक यू गाइस, सी यू लेटर, बाय।